Here is the question. Number of solutions of this equation we have to find. तो हमने क्या किया? X square minus का 2 is equal to 2 times of greatest integer x लिख लिया. और ध्यान से देखें, इसको हमने fx माना और इसको हमने gx माना. fx equal to gx के लिए हम दोनों का ग्राफ बना लेते हैं. और number of intersections of fx and gx ढूंढ लेते हैं. जितने इंटरसेक्शन हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, राइट? तो आप क्या करें, हम जितने इंटरसेक्शन हैं उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे. तो मैंने आपके लिए क्या करा, x square minus 2 यानी fx is equal to x minus का root 2 into x plus under the root 2, इसका ग्राफ अलग बनाएंगे और gx यानी 2 times of greatest integer x का ग्राफ अलग बना देंगे. तो ठीक है, अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. ध्यान से देखें, ठीक है. सो fx का ग्राफ और gx का ग्राफ, तो पहले काम करते हैं gx का ग्राफ ही प्लॉट कर लेते हैं. gx का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या करा, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x को डिफाइन करते जाएंगे. क्या-क्या बातें होंगी, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भैया 0 होगा. वो कब होगा, जब x क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 होगा तो ये वैल्यू 0 होगी. जब x closed 1 से लेकर के open 2 होगा तो ये value 2 into 1 2 आ जाएगी. जब x closed 2 से लेकर के 3 होगा तो ये value 4 हो जाएगी. जब x minus 1 से 0 होगा तो ये value minus 2 आ जाएगी. And it goes on, आगे और पीछे चीजें चलती चली जाएंगी, am I right? तो as a result हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको graph को plot करना शुरू किया. plot करना शुरू किया तो 0 से 1 के अंदर में हमने ये graph बना दिया. 0 से 1 के बीच में 0 आ रही है वैल्यू, ये बना दिया. 1 से 2 के बीच में ये रहा कहीं ना कहीं 2. अब ये रहा 0,1, ये रहा 0,2, ये रहा 0,3, ये रहा 0,4. बिल्कुल आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं. 0,-1, 0,-2, 0,-3 एंड 0,-4 हमने प्लॉट कर ली. और ये रहा 3 पॉइंट, ये रहा 4 पॉइंट, इधर -1, -2, -3 एंड गोज ऑन. अब 1 से 2 के बीच में ध्यान से देखिए 2 वैल्यू आ रही है. 1 से 2 के बीच में वैल्यू आ रही है 2. ये रहा, ये हमने बना लिया, ठीक. अब 2 से 3 के बीच में वैल्यू आ रही है 4. 2 से 3 के बीच में वैल्यू आ रही है 4, ठीक है. यहां तक भी क्लियर हो गई बात, ये बन गया अपने पास. अब माइनस वन से जीरो के बीच में आ रही है वैल्यू माइनस का 2. तो लेट मी इरेज दिस पोर्शन एंड राइट इट ओवर देयर सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो आपको. और जस्ट अ मिनट, दिस इज 0,-1, दिस इज 0,-2 एंड ये ग्राफ में हमने माइनस वन से जीरो के बीच में माइनस का 2 बना दिया ग्राफ. ये रहा और ये रहा, ठीक. और ये वैल्यू इस तरीके से आ गई, सही. तो ये हमारे पास gx का ग्राफ बन चुका है. अब fx का ग्राफ बनाते हैं. अब fx का ग्राफ बनाते हैं तो लेकिन मैंने क्या कहा, fx के ग्राफ बनाने के लिए हमने कहा एक एक करके सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं. हमें पता है ये यहाँ कहीं ना कहीं अंडर रूट 2 आ जाएगी वैल्यू. यहाँ पर कहीं ना कहीं अंडर रूट 2 आएगा, दिस विल बी. एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का रूट 2 आएगा, दिस विल बी माइनस का रूट 2 कॉमा 0. And this will be, this point is going to be root 2, 0. ये roots हैं इसके. अब हमने देखना है कितनी बार कटिंग कर रहे हैं. तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं. कैसे? Example के तौर पे. Example के तौर पे जैसे कि fx यानी x square minus का 2 की वैल्यू एक बार 0 कर दी. कब? अगर greatest integer x की वैल्यू 0 है, या यूं कहूं इस interval की बात कर रहा हूं. तो x की वैल्यू plus minus का root 2 आ रही है. अब क्या प्लस माइनस का रूट 2 x इक्वल टू 0 क्लोज से लेकर के ओपन 1 के बीच में लाई कर रहा है? नॉट एट ऑल. सो इसका मतलब इस रीजन में कोई सॉल्यूशन नहीं आया, यानी ये एक दूसरे को ग्राफ नहीं काटेंगे. मतलब 0 से 1 के बीच में ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटेंगे, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? और इसी तरीके से ध्यान से देखें मैंने क्या किया इस सॉल्यूशन में. देखो सारी बात आपके लिए लिखी है. अगर ये रहा मैंने जो अभी बात करी, 0 से 1 के बीच में हमने देखा रूट टू प्लस माइनस आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा. इसी तरह जब हमने एक्स
यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन होगा, तब x की वैल्यू क्लोज माइनस वन से ओपन जीरो है, यानी x स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन यानी माइनस टू, यानी x इक्वल टू जीरो, जो कि इस रीजन में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए फिर से नॉट पॉसिबल लिख दिया। और इसी तरह करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू एक बार माइनस वन मिल, मैंने बता दिया आपको, जीरो के लिए बता दिया, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, हमने वन के लिए ये लिखा है मैंने सॉल्यूशन, देखें तो क्या आएगी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x स्क्वायर माइनस का टू इज इक्वल टू टू, यानी प्लस माइनस का टू, फिर दोबारा, अब जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x वन होगा तो x की वैल्यू क्लोज्ड वन से ओपन टू है, क्लोज्ड वन से ओपन टू के बीच में प्लस माइनस का टू दोनों सॉल्यूशन नहीं लाई करते, तो नॉट पॉसिबल बोलेंगे। फिर हमने देखा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 आ रहा है तो x की वैल्यू अंडर रूट 6 आ रही है, कैसे भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 आ रहा है यानी x की वैल्यू क्लोज्ड 2 से लेकर के ओपन 3 आ रही है, यानी x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 6, यानी x इक्वल टू अंडर द रूट 6 लाइज इन दिस इंटरवल विच इज अ सॉल्यूशन। तो अब क्या मतलब आया यहां से एक x की ऐसी वैल्यू आ गई, भाई x कौन सा होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट इतना समझ में आ गया, हाँ x कौन सा होगा क्या, वो भी समझ में आ गया, x equal to root 6 आ गया, root 6 पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगी बात, ये ग्राफ ध्यान से देखें, ये ग्राफ इस रीजन में 2 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं काटेगा एक दूसरे को, ये रहा, और x square minus का 2 ग्राफ था, 0 पर वैल्यू माइनस का 2 आएगी, 0 पर वैल्यू माइनस का 2 आई, यानी ये रहा ग्राफ, यहां से टच करेगा, और इस तरह है ये ग्राफ, ध्यान से देखें दोस्तों, ये ग्राफ इस तरीके से चलता चला जाएगा, कैसे, इस तरीके से माइनस वन और माइनस टू के बीच में, वैसे भी ध्यान से देखें, ये जो ग्राफ है, दिस इज एन इवन फंक्शन, कौन सा, एफ एक्स की बात कर रहा हूं, इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस का टू, तो यानी इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा, तो एक ही जगह पर काटा, ध्यान से देखें, और उसके बाद ग्राफ बढ़ रहा है, यानी आप निकालने का भी प्रयास करेंगे या पीछे भी जाएंगे तो कहीं पर आपको कटिंग इन दोनों ग्राफ्स की इंटरसेक्शन नहीं मिलेगी, वो कैसे पता लगेगा, वो भी आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब हमने 4 तक चेक कर लिया था, अब 3 से 4 के बीच में 3 वैल्यू आएगी, 3 इंटू 2 विल बी 6, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 8 आएगा, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस का 2 रूट 2 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच में रखी है, x की वैल्यू क्लोज्ड 2 से लेकर के क्लोज्ड 3 से लेकर के ओपन 4 के बीच में आ जाएगी, कब, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 है तो ये क्लोज 3 से ओपन 4 के बीच में आएगा। अब क्या ये आंसर, अब 2 root 2 होता है 1.414 into 2 करेंगे तो 2.8 समथिंग, क्या वो इस रेंज में आ रही है, नहीं आ रही है, तो मतलब ये ग्राफ तेजी से बढ़ेगा और ये जो फंक्शन है, ये फ्लोर फंक्शन कहूं या स्टेप अप फंक्शन कहूं, ये नीचे नीचे रहेगा, चाहे वो इधर की तरफ बात करूं चाहे वो मैं इधर की तरफ बात करूं, और हमें केवल और केवल एकमात्र सॉल्यूशन मिला, वो आपके सामने है। ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर में गोला खाली है, ठीक, क्योंकि जीरो पर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले की जीरो ही आई। तो कितनी जगह पर काटा, एक जगह पर। अगर किसी बच्चे के मन में ख्याल है क्या हम पीछे एक और बार चेक कर सकते हैं, यस वी मे डू, लेट अस ट्राई इट आउट। कैसे ट्राई कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस का 2 को हम किसके इक्वल कर दें, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 कर चुके हैं यानी माइनस का 2, यानी x की वैल्यू माइनस का 2 ओपन से लेकर के क्लोज 3 है, तो ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, यानी x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2 इनटू माइनस 2 यानी माइनस का 4, यानी x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 प्लस 2 विल बी माइनस का 2। क्या ये पॉसिबल है, नॉट एट ऑल। तो इसीलिए कोई भी सॉल्यूशन पीछे की तरफ नहीं मिलेगा, इसी तरीके के या इसी तरीके के रिलेशन और पीछे पीछे जाते जाएंगे x की वैल्यू में, तो यही आते जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट हमने देखा कि कितनी बार काटा, एक बार काटा, किस x पर काटा, अगर मैं पूछूं तो आंसर ये भी बताया जा सकता है, भले ही अलग बात है इसमें नहीं पूछा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमें पता होना चाहिए। तो दिस पॉइंट इज रूट 6.0 जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा आपके सामने, देखे ध्यान से, दिस इज अंडर रूट 6, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज
one in this case. I'm sure now this question must be perfectly clear. और देखिए इसमें graphs का, इस graph का और इस graph का दोनों का इस्तेमाल था, यानी quadratic और greatest integer function.